हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। मैं जोरावर सिंह, मैनेजर WD इमिग्रेशन कंसल्टेंट होशियारपुर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IELTS और PT के बारे में। IELTS यानी कि इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम और PTE यानी कि पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं IELTS के बारे में कि IELTS या PTE दोनों में से हम जो भी एग्जाम देते हैं उसका मेन मकसद क्या होता है या मेन मोटिव क्या होता है। अगर हम मेन मकसद या पर्पस की बात करें कि हम ये एग्जाम क्यों अपियर करें, तो इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट रीजन यही है कि हम मेजर करना चाहते हैं कि हमारे इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो कैसे हैं। इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल मेजर हमें इसलिए करने चाहिए या हमें इसलिए पता होने चाहिए कि अगर हम में से कोई एक बाहर जाके हायर स्टडीज ऑप्ट करता है, विदेश में जाके हायर स्टडी ऑप्ट करता है, या फिर अगर माइग्रेशन की बात करता है PR कनाडा या PR ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो वहाँ पे हमें जो हमारी कम्युनिकेशन है वो सारी इंग्लिश में होती है। इसलिए ये जो दो टेस्ट जिनकी मैंने बात की, IELTS और PTE, ये हमारी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल की प्रोफिशिएंसी को मेजर करने में मददगार होते हैं। अब बात करते हैं IELTS के बारे में। तो IELTS के बारे में अगर बात करें तो IELTS के टेस्ट कितने प्रकार के होते हैं। IELTS के टेस्ट दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एकेडमिक और एक होता है जनरल। अब दोनों में फर्क क्या है? बहुत सारे दोस्त मेरे जो पढ़ाई के बेसिस पे जाना चाहते हैं या हायर स्टडी करने के लिए बाहर जाना चाहते हैं, उनको IELTS का एकेडमिक टेस्ट देना पड़ता है। और इसी तरीके से वो लोग जो बाहर माइग्रेट होना चाहते हैं या इमिग्रेंट के तौर पर PR कनाडा या PR ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, उनको IELTS जनरल का एग्जाम देना पड़ता है। जब हम कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करते हैं तो ऐसे कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर ऐसे कौन कौन से हमारे मॉड्यूल्स हैं जो कवर होते हैं। तो अगर मैं मॉड्यूल्स की बात करूं तो हम रोज़मर्रा में देखते हैं कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स में हम बोलने का काम, लिखने का काम, पढ़ने का काम और सुनने का काम करते हैं। तो इसी तरीके से ये चार मॉड्यूल्स हैं जिनमें हमारे इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स की प्रोफिशिएंसी जो है वो जज होती है, यानी कि लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग। यानी ये वो चार मॉड्यूल्स हैं जो एक IELTS या PTE के एग्जाम में कवर होते हैं। अब जान लेते हैं कि IELTS का टेस्ट किस प्रकार से होता है। IELTS का टेस्ट दोस्तों एक पेन पेपर टेस्ट है, यानी कि जब आप इसका एग्जाम को फाइल करते हैं या रजिस्टर करते हैं तो आपको पेन पेपर टेस्ट के लिए अपियर होना पड़ता है। यानी इसका जो टेस्ट होगा लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग का, वो पेन पेपर बेस होगा, और स्पीकिंग ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि बोल के आपको टेस्ट देना पड़ता है। अब अगर मैं बात करूं कि PR कनाडा में IELTS की रिक्वायरमेंट कितनी होती है, तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो लोग PR कनाडा मूव करना चाहते हैं तो PR कनाडा में एक प्रकार के प्रोग्राम नहीं चलते, PR कनाडा में बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं। और क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं PR होने के लिए, इसलिए हर प्रोविंस में या हर प्रोग्राम के लिए अलग अलग इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है। तो कनाडा का जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो है CLB 4। अब ये CLB 4 क्या होता है? यहाँ पे CLB का मतलब होता है कैनेडियन लेवल बेंचमार्क, और 4 के हिसाब से मतलब होता है कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है इसमें लिसनिंग के लिए जो स्कोर चाहिए वो चाहिए आपको 4.5, रीडिंग में आपको चाहिए 3.5, राइटिंग और स्पीकिंग में आपको चाहिए 4 ईच। इसी तरीके से अगर मैं कंपिटेंट स्कोर की बात करूं, कंपिटेंट स्कोर तो वो होता है CLB 7, जिसमें आपको सभी के सभी मॉड्यूल्स में यानी कि लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग में आपको 6 ईच चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपका स्कोर बहुत ज़्यादा अच्छा आए और एनहेंस स्कोर आपको चाहिए, तो आप CLB 9 के लिए कोशिश कर सकते हैं। और CLB 9 का स्कोर का मतलब होता है लिसनिंग में 8 बैंड्स, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग में 7 ईच। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि IELTS के एग्जाम की वैलिडिटी क्या होती है। IELTS के एग्जाम की अगर मैं वैलिडिटी की बात करूं तो IELTS की जो वैलिडिटी होती है, भले वो आप एकेडमिक अपीयर करें चाहे आप जनरल मॉड्यूल का एग्जाम अपीयर करें, वो सिर्फ 2 साल की होती है। यानी जिस दिन आप एग्जाम अपीयर करते हैं और उसका जो रिजल्ट 13 या 14 दिन के बाद जो रिजल्ट आता है, जिस दिन आपको रिजल्ट मिलता है उस दिन से पूरे 2 साल तक उस IELTS की वैलिडिटी कंसिडर की जाती है। 2 साल के बाद उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है। और अगर आप PR की फाइल उस दौरान लगाते हैं और आपकी PR में नंबर नहीं आता और उधर आपकी IELTS की वैलिडिटी भी खत्म हो जाती है, तो आपको IELTS रीअपियर करना पड़ेगा।
आगे बात कर लेते हैं कि आयल्स, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि हर प्रोविंस में कनाडा में जैसे बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं, मैं कुछ प्रोग्राम्स का नाम भी ले लूं, जैसे कि सबसे पॉपुलर प्रोग्राम अगर कनाडा का है तो वो है एक्सप्रेस एंट्री, जिसके बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा। इसी तरीके से पीएनपी प्रोग्राम होता है, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोग्राम्स होते हैं, स्टार्टअप प्रोग्राम्स होते हैं, इन्वेस्टर प्रोग्राम्स होते हैं, पायलट प्रोग्राम्स होते हैं, तो अलग अलग प्रोग्राम्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। मिनिमम रिक्वायरमेंट मैं आपको बता चुका हूँ जो कि है CLB 4, लिसनिंग 4.5, रीडिंग 3.5, राइटिंग और स्पीकिंग 4 ईच। मैक्सिमम रिक्वायरमेंट CLB 9, जिसमें आप 8777 यानी लिसनिंग में 8, रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग में 7 ईच ला के स्कोर करके अपना CRS को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश के बारे में। अगर हम पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश की बात करें दोस्तों, तो पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश अगेन एक ऐसा टेस्ट है जो पीआर ऑस्ट्रेलिया के लिए मदद करता है। आप लोग में से जितने भी दोस्त मेरे भाई बहन जो मूव करना चाहते हैं पीआर ऑस्ट्रेलिया के लिए, वो पीटीई एग्जाम में पियर कर सकते हैं। ये एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जैसे कि आयल्स एक पेन पेपर टेस्ट होता है, तो पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इसकी वैलिडिटी भी 2 साल की होती है जैसे आयल्स की वैलिडिटी होती है, लेकिन इसका स्कोरिंग का क्राइटेरिया एज कंपेयर टू आयल्स थोड़ा सा अलग होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम आयल्स में जैसे हम 8777 कहते हैं, तो पीटीई में इसका स्कोर 65-73 के बीच में होता है। यही एक फर्क है, ग्रेडिंग का, रैंकिंग का, नंबर का फर्क है, बाकी स्कोरिंग लगभग बराबर है। अगर हमें आयल्स में 8777 चाहिए तो पीटी में हमें 65-73 के बीच में हमें अपना स्कोर रखना पड़ेगा अगर हम 8777 या 7 ईच लेके चलते हैं। अब अगर हम बात कर लें पीआर ऑस्ट्रेलिया में इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल की रिक्वायरमेंट कैसे होती है, तो 3 कैटेगरीज बांटी गई है पीआर ऑस्ट्रेलिया के लिए। एक होता है कम्पिटेंट, जिसमें अगेन हम पीटी भी कर सकते हैं और आयल्स भी कर सकते हैं। अगर आप आयल्स 6 लेके आते हैं, सभी में 6 ईच लेके आते हैं, तो आप कम्पिटेंट कैटेगरी में फॉल करते हैं, भले वो पीआर कनाडा हो चाहे वो पीआर ऑस्ट्रेलिया हो। इसी तरीके से अगर आप आयल्स में 7 ईच लेके आते हैं, तो आप कंसिडर किए जाएंगे पीआर ऑस्ट्रेलिया में प्रोफिशिएंट आयल्स के अंडर में। और इसी तरीके से अगर आप 8 सभी में 8 ईच मॉड्यूल लेके आते हैं जनरल में आयल्स के अंदर, तो आप ऑस्ट्रेलिया के लिए सुपीरियर इंग्लिश के अंदर कंसिडर करेंगे या फॉल करेंगे। दोस्तों ये जो टॉपिक में आज मैंने डिस्कस किया, इसमें मैंने आपको आयल्स और पीटी के बारे में बताया कि पीटी और आयल्स हम क्यों देते हैं, कि हम अपना कम्युनिकेशन स्किल को मेजर कर सकें, कि हम अगर बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं या अगर हम बाहर काम करने के लिए या सेट होने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे हमें इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करना पड़ता है, तो हमारा वहाँ पे लेवल क्या है, हमारी स्कोरिंग क्या है, हम कितने फ्लुएंट हैं या हम कितने प्रोफिशिएंट हैं अपने इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स को लेके। 4 आपके मॉड्यूल्स कवर होते हैं, जिसमें लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग है, भले आप पीटीई कर लीजिए, भले आप आयल्स कर लीजिए। यहाँ पे मैं अपने दोस्तों को एक सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आप पीआर माइग्रेट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि मैं पीआर कनाडा या पीआर ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट करूँ, तो मेरी आप दोनों को, आप सब लोगों को यही सजेशन है कि आप आयल्स जो कि पेन पेपर टेस्ट है वो अपीयर कीजिए रैदर देन पीटीई। अब पीटीई क्यों नहीं कह रहा मैं यहाँ पे, आयल्स क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आयल्स का आपको ये बेनिफिट है कि आयल्स आप दोनों कंट्री के लिए सोच सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी और कनाडा के लिए भी। लेकिन अगर आपका फोकस सिर्फ पीआर ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए है, अगर आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ ऑस्ट्रेलिया मूव करूं, तो पीटीई आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन है, आप पीटीई के लिए भी अपीयर कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा, दोनों की वैलिडिटी 2-2 साल की होती है, भले वो पीटीई हो चाहे वो आयल्स हो। बस कुछ चीज़ों का फर्क है कि आयल्स एक पेन पेपर टेस्ट है और पीटीई क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो कहीं ना कहीं आपकी कंप्यूटर पे भी स्पीड या आपकी प्रोफिशिएंसी या कंप्यूटर नॉलेज भी आपके लिए मैटर करता है। दोस्तों ये तो आज मैंने आपको एक हल्की सी ब्रीफिंग दी है इस वीडियो में आयल्स और पीटी के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं चाहूँगा कि आप इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके अगर कुछ कमेंट्स हैं इस वीडियो को लेके, या मुझसे कुछ ऐसी चीज़ें रह गई हैं जो मैं नहीं बता पाया, तो मैं अगले सेशन में एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं आपके डाउट्स या क्वेरीज जो हैं वो मैं क्लियर करूँगा। यू आर ऑलवेज वेलकम टू आस्क मी एनीथिंग। थैंक यू वेरी मच।